हेलो एवरीवन, आज तो हो रहा है रोमियो की तरफ से वेलकम बैक। उम्मीद करता है रोमियो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआओं से रोमियो भी बिल्कुल ठीक है। सो मैंने और आपी ने आज डिसाइड किया कि हम रोमियो एंड जोजो को ड्रेस पहनाएंगे। ड्रेस पहनाकर फिर इनका रिएक्शन चेक करेंगे, तो आप लोग भी देखना ये कैसा रिएक्ट करते हैं। मल्टीपल कलर्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आई थिंक कलरफुल हो गया मेरा ड्रेस भी, मास्क भी, स्ट्रॉलर भी। इस वजह से वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं आ रही। खैर, तो मैंने सोचा है रोमियो जोजो को तंग करने से पहले मैं आपको इस रूम का टूर करवा देती हूँ, जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ या जहाँ पे बैठ के मैं कोई ना कोई टॉपिक स्टडी करती हूँ। तो पहले इस रूम का टूर करवा देती हूँ, फिर हम रोमियो जोजो की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इन पर्दों का आपको दीदार कराते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रियल में ना इसका कलर जो है ना वो मरून है, लेकिन वीडियो में ना इसका कलर थोड़ा रेडिश आ रहा है। तो ये ऑफ वाइट और मरून कलर के पर्दे हैं। पास से अगर मैं दिखाऊं तो इसका प्रिंट कुछ इस तरह से बिल्कुल प्लेन में नहीं है, बल्कि थोड़ा छोटू छोटू इस पर प्रिंट बना है मरून और साथ में ऑफ वाइट है। और ये पर्दे पूरी वॉल पे हैं। नेक्स्ट वॉल डिज़ाइन की बात करें तो जो बिल्कुल फ्रंट पे वॉल है या बैक वॉल जो है वो इस तरह से प्रिंटेड है, ग्रे एंड वाइट कलर में है। और इसके साथ में जो बाकी वॉल्स हैं ना, बाकी थ्री वॉल्स जो हैं वो बिल्कुल प्लेन में हैं, मतलब सिंपल वॉल्स हैं। एक प्रिंटेड है जो बैक पे हो और बाकी साइड वाली बिल्कुल सिंपल हैं। आफ्टर दिस ये सोफ़ा है, वन पीस यहाँ पर रखा हुआ है, थ्री पीस सोफ़ा जो है ये बिल्कुल सामने रखा है, एंड देन इस साइड पे हम लोगों ने ये टू पीस रखा है। बिल्कुल लाइट सा कलर, और इसके साइड बैक पे देखें बिल्कुल सिंपल वॉल है, जबकि जहाँ पे थ्री पीस रखा है इसके बैक साइड पे प्रिंटेड वॉल है। और ये कुछ इस तरह से है, बिल्कुल लाइट लाइट कलर्स हैं। और इसके दरमियान में ये टेबल है, जो कि ये टेबल पहले हमारे रूम में हुआ करता था, लेकिन अब हमने इसको यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ये टेबल जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही स्पेस के लिहाज से भी सही था, और जिस तरह सोफ़ा का स्टाइल है ना उस लिहाज से भी बिल्कुल सही था। तो इस वजह से हमने ये वाला टेबल यहाँ मिड में ला कर रख दिया है। तो ओवरऑल इस रूम के लुक कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इस साइड पे सारे कर्टेंस वगैरह हैं, और वो बैक साइड पे मेरी रिंग लाइट है जिसमें मैं अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ। सिटिंग एरिया के बिल्कुल सामने जो वॉल है यहाँ पे सिर्फ एक हीटर रखा है, और उसके अलावा वॉल पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल क्लॉक है। क्योंकि बाबा को सिंपल चीज़ें पसंद हैं, इस वजह से हम भी चीज़ें सिंपल रखते हैं। वेलकम बैक, ये था हमारा ड्राइंग रूम टूर। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं वर्ड आई होप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो अब हम इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स सर्च करेंगे और फिर हम वो बोला करेंगे। तो व्लॉगिंग करने का क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों को पता चलता है आपकी वोकेबलरी कैसी है और आप कितने वर्ड्स जो हैं बार बार यूज़ करते हो, तो आप इस पर काम कर सकते हो। ये हम पहनाने जा रहे हैं रोमियो को, और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। इसका जो बाद वाला रिएक्शन होगा ना, जब ये चलने फिरने के काबिल नहीं होगा, वो भी बैठ गया। जैसे ये नहीं पहनता होता, और ये देखो परेशान हो गए, एक जगह से हिल भी नहीं रहा। रोमियो आप बहुत प्यारे लग रहे हो, यू आर लुकिंग क्यूट। ये देखो इसका ड्रेस प्यारा लग रहा है ना, रोमियो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। रोमियो परेशान हो गए हो, आज बहुत परेशान है, कह रहा मुझे क्या पहना दिया तुम लोगों ने। After wearing dress, he is very 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 confused, but he is looking cute. Yeah, we are going to record Jojo's reaction. कपड़े पहने आप देखना, रोमियो तो फिर थोड़ा बहुत उठ गया था, जोजो तो उठने पहले से माजूर हो जाएगी। जोजो इधर देखो, आपका मैचिंग ड्रेस हमने ला नहीं लाया ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें एटीट्यूड दिखाने लग जाओ। अच्छा चेक किए, शेयर में शेयर, न्यू ड्रेस पहना तो लिफ्ट ही नहीं करा रही, वरना तो ये ही इतनी अलर्ट करती है। जो जो आर यू एंग्री है, जो 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 कैसा लग रहा है, जो जो कैसे चल रही है, देखो चेक कर।
मैंने जो जो रोमियो का रिएक्शन रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, तो पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हुआ है, बस आप लोग थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेना। क्योंकि हमने इनको ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं डाली, इसीलिए इनको जब भी ड्रेस पहनाओ ना तो ये ऐसे वियर रिएक्शन देते हैं। रियल में आप लोग देखते तो सही, बिल्कुल इनसे चला ही नहीं जा रहा था, एक जगह बैठ गए थे और ऐसे प्रिटेंड करते कि जैसे पता नहीं हमने इनको कौन सी सज़ा दे दी है। व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, और जो कि है इफ्तारी का। अब किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज इफ्तारी में हम क्या बनाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गो। पापड़ी हो चुकी है फ्राई, क्योंकि यहाँ पे बन रही है चना चाट और साथ में बन रहे हैं दही भले। फ्रिज से निकाल लेते हैं रोल समोसे। तो कितने निकालने हैं? 6। अबू जान, ये चाची को पकड़ाए। ये 6 पूरे हैं इस बॉक्स में। अलग अलग करके निकालो, रखो। चक तो नहीं सकते अभी आप, इसको फिलहाल देख सकते हैं। जी कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर है। सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। सबसे पहले फ्रूट्स प्लेट है, ये जो है ना मेरी और आपी की है। इसमें थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स रखा है, साथ में समोसे रोल्स हैं। जैसे जैसे ये ख़त्म हो रहे हैं इनकी शक्ल प्यारी आती जा रही है। अब बस ख़त्म होने वाले हैं, फिर और बनाएंगे। साथ में हमने बनाई है चना चाट और पापड़ी चाट बहुत मज़े की होती है, पापड़ी इसके ऊपर डली हुई है। साथ में हमारे पास है मज़ेदार यमी से घोल गप्पे, सॉरी दही भले। साथ में है इमली की चटनी, और ये प्लेट जो है वो मामा और बाबा की है। देन ये प्लेट है भाई और भाभी के लिए, तो हम लोग दो दो करके शेयर करके फिर खाते हैं। नहीं छोड़ना, मुझे लग जाएगी। नहीं 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 छोड़ना इसको, मुझे लगेगी। नहीं छोड़ना इसको, लग जाएगी। ओह, लग गई है मुझे। नहीं, ये थी मेरी आज की सारी रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इसके साथ ही अपना व्लॉग करते हैं एंड। आई होप आपने इंजॉय किया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।